हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन क्लासेस निशा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे फोटोथेरेसिस कंडीशंस की। फोटोथेरेसिस के कंडीशंस क्या है, इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोथेरेसिस, कि फोटोथेरेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है। तो इनका है क्या क्या रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द फोटोथेरेसिस। सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर। सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द फोटोथेरेसिस। अदर कंडीशन नीड आर ए सुटेबल टेम्परेचर एंड वाटर। तो पहले तो ये हो गया कि फोटोथेरेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमने क्लियर कर लिए। तो क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, और फिर क्लोरोफिल यानी ग्रीन लीफ इन विच क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट, और वह ग्रीन लीफ जिसमें क्या हो क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो इसके बाद आता है कि हाउ टू डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटर द प्लांट्स। कि जो फोटोथेरेसिस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इन एटमोसफियर में है, वाटर अंडरग्राउंड है, तो हाउ टू इंटर, यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट में कैसे इंटर करते हैं। तो इसमें दिया है कि पाथ वे आपका कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर थ्रू स्टोमेटा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है, एंड टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड वाटर इंटर बाय द रूट्स, और जो प्लांट का जो रूट होता है जो अंडरग्राउंड होता है जिसे हम लोग जड़ बोलते हैं हिंदी में, तो वह जो रूट्स होता है दे आर द एब्जॉर्ब द वाटर, वह वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वह उसका जो फ्लोएम जो होता है उसके थ्रू क्या होता है वह वाटर लीफ तक पहुंचता है, और वहां पर स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब होता है। जब ये दोनों पहुंचते हैं तो वहां पर रिएक्शन होता है, और जब ये रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में होते हैं CO2, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये रिएक्शन कराता है, तो रिएक्शन करता है क्या बनता है, ये बनता है ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे आर द रिएक्ट एंड गिव इन प्रोडक्ट एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो बनेगा C6H12O6। दिस अब यहाँ पे जो एटम लगा है ये प्रोडक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो इसका सिंबल हो गया, और इसके साथ साथ वाटर वेपर रिलीज होता है, तो वाटर वेपर चूंकि स्टीम के फॉर्म होता है तो उसका सिंबल हो गया हमारा क्या H2। अब चूंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन संख्या देखो ग्लूकोज में कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, यानी 6CO2 + 12H2O, क्योंकि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी 12 दिख रहा है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 12H2O हो गया, तो बन जाएगा हमारा कितना ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल संश्लेषित होगा और वाटर का भी 6 मॉलिक्यूल ही यहाँ से क्या होता है रिलीज होता है, तो 6 मोल ऑफ वाटर, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। बी प्रिपेयर व्हेन द 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मोल ऑफ द वाटर बी रिएक्ट। तो अब हो गया कि पूरा हमारा अब यह बैलेंस रिएक्शन हो गया 6CO2 + 12H2O इज प्रोड्यूस बाय ग्लूकोज प्लस 6O2 + 6H2O। अब इसके साथ साथ एनर्जी लेवल भी इसमें होता है, 84 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है रिलीज होता है द एवरी स्टेप ऑफ द फोटोथेरेसिस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कैसे में, तो इनको वाटर का तो कॉन्सेप्ट हो गया कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट एंड कार्बन इज इंटर्ड इन द लीफ विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज अ पार्ट ऑफ द लीफ, वह लीफ पत्ती होता है उसका क्या होता है एक पार्ट होता है, दे आर एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब इसमें होता है कि द फेट वर्क ऑफ द गॉड सेल, द फेट वर्क ऑफ द गॉड सेल का कॉन्सेप्ट होता है कि प्लांट्स ब्रीथ एंड स्वेट,
through air stomata, which are regulated by the God cell. God cell has a very important job because by the opening and closing stomata, they facilitate gas exchange for the photosynthesis and help minimize water loss. यानी अब ये जो फेट वर्क ऑफ गॉड सेल होते हैं, तो इसमें जो ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, तो प्लांट ब्रीथ एंड स्वीट थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट, यानी कार्बोनेशन को डेवलप करता है, ऑक्सीजन को करता है, रिलीज करता है, इसके हेल्प से इंस्ट्रूमेंटा विच आर रिगार्डेड रेगुलेटेड बाय द गॉड सेल. और यह सारी जो एक्टिविटी होती है यानी एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग, यह किसके थ्रू होता है? गॉड सेल के थ्रू होता है. गॉड सेल है वेरी इंपॉर्टेंट जॉब बिकॉज दे ओपनिंग एंड क्लोज, क्योंकि ये जो पार्ट ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन दे होता है, क्लोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. स्टोमेटा दे आर फैसिलिटेटेड गैस एक्सचेंज फॉर द फोटोसिंथेसिस. और स्टोमेटा जो होती है ये जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प द मिनिमाइज वाटर लॉस. और यह इसलिए होता है ताकि इसमें वाटर लॉस का मिनिमम हो. Thank you for watching this video. Thank you.